हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिमेंटो एजुकेशन। आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं उसमें हम मेनली बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश के बारे में। आप लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन आज हम पहली बार बात करने वाले हैं डिफरेंस इन इंडियन इंग्लिश ऑल्सो। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट, ये है क्या बेसिकली, मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे कि इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। एक बहुत फेमस हमारे राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड एंड अमेरिका आर टू कंट्रीज डिवाइडेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज। बेसिकली इंग्लैंड और अमेरिका जो हैं वो दो ऐसी कॉमन कंट्रीज हैं जो कैसे अलग हुई हैं, बाय अ कॉमन लैंग्वेज। कैसे, देखिए दोनों में, अब कॉमन लैंग्वेज कैसे, हम जानते हैं इंग्लैंड में भी इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, तो फिर एक ही लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है, तो फिर उनको डिवाइड कैसे करती है। वो डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक अप लाइक देयर प्रोनाउंसिएशन, देयर लैंग्वेज, देयर स्पेलिंग एंड एवरीथिंग। अब सबसे पहले सवाल आता है, इज देयर रियली अ लैंग्वेज बैरियर, क्या वाकई में वहां पर हमारे पास कोई लैंग्वेज बैरियर है। सो अगर हम देखते हैं इन हिज हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विंस्टन Churchill records that difference in the interpretation of the verb to table which caused an argument between the British and the American planners. अगर आप जानते होंगे विंस्टन चर्चिल कौन है, तो मैं, आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक, विंस्टन चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपनी एक हिस्ट्री की जो बुक लिखी है, द नेम इज द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच में, प्लानर्स के बीच में जो डिफरेंस आया और उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो बेसिकली कुछ वर्ड्स के इंटरप्रिटेशन को लेकर हुए, यानी कि उन चीजों को समझने में हुए, स्पेशली अ वर्ड लाइक टू टेबल। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, द ब्रिटिश वॉन्टेड द मैटर टेबल्ड इमीडिएटली बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश जो चाहते थे, वो चाहते थे कि जो भी मैटर था उनका, वो उसको टेबल करें, मतलब उसको वहां टेबल पर लाएं, सबके सामने लाएं। क्यों? क्योंकि वो मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट था। बट द अमेरिकन्स इंसिस्टेड दैट इट शुड बी टेबल्ड एट इट शुड नॉट बी टेबल्ड एट ऑल बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट। लेकिन वहीं पर अमेरिकन्स का मानना था कि उसे टेबल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए एक का मतलब है टेबल करना चाहिए, ब्रिटिश कह रहे हैं, और अमेरिकन्स कह रहे थे टेबल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उनकी समझने में फर्क था। फर्क था, इन केस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश द टर्म, दिस टर्म लाइक टू टेबल मीन्स टू डिस्कस। नाउ चलिए उसे टेबल पर लाते हैं, उस मुद्दे को टेबल पर लाते हैं, उस पर बैठ के डिस्कशन करते हैं। वहीं पर जो अमेरिकन्स थे, उनका मानना था इट मीन्स टू डिफर। डिफर मतलब उस चीज को, मुद्दे को टेबल पर ही छोड़ दो, उसको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, जहां है उसे वहीं टेबल पर छोड़ दो। अब देखिए एक ही वर्ब है टू टेबल, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में उसका मतलब होता है टू टेबल अ मैटर मीन्स टू डिस्कस अ मैटर नाउ, उस मुद्दे को अभी उसी वक्त हम बैठकर डिस्कस करते हैं। लेकिन वहीं पर अमेरिकन इंग्लिश में टू टेबल का मतलब होता है टू डिफर, यानी कि किसी मुद्दे को वहीं के वहीं पर टेबल पर छोड़ दो, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दीजिए उसको वहीं पर, उसके आगे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इस एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह के डिफरेंसेस हैं। याद कीजिए, अभी हमने दो स्लाइड पहले देखा था जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, दैट इट इज, दे आर द कंट्रीज विच आर डिवाइडेड बाय अ
common language. अब देखिए किस तरह से एक word दो अलग अलग languages में, I mean British English और American English में अलग अलग मतलब देता है. तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसा difference आया क्यों? क्यों difference आया कि British English और American English अलग अलग हो गई, जबकि देखा जाए तो English जो है, as the word says, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए अगर हम इसको कहते हैं इंग्लिश, राइट. अब इस वर्ड को अगर मैं डिवाइड करती हूं लाइक दिस, तो आई एस एच हमारा एक सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू. तो वो किससे रिलेटेड है? इससे, यानी कि इंग्लैंड, आई ई एन जी एल, देन ए एन डी इज गॉन, राइट. इंग्लैंड से जो रिलेटेड है वो इंग्लिश है, यानी कि वो लैंग्वेज जो उस जगह से रिलेटेड है. तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ. उसके बहुत सारे कारण हैं कि इंग्लिश जो है वो शुरू इंग्लैंड से हुई, ब्रिटेन से हुई, लेकिन फिर उसके इस तरह से अलग मीनिंग्स क्यों हैं दोनों लैंग्वेजेस में, उसका कारण अब हम देखते हैं. अब वही बात जो हमने कही, हाउ डिस दिस divergence occur, ये difference कैसे आया, कैसे पैदा हुआ. क्योंकि मैंने आपसे बताया कि English जो है basically England से शुरू हुई और दुनिया के अलग अलग कोनों में वो गई, फैल गई. तो फिर British में और American English में ये difference, ये divergence आया कैसे? The reason is the Atlantic Ocean served as a major divide allowing the two dialects to develop, right? अगर हम यूरोप का, वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा लाइक इंग्लैंड है एंड अमेरिका इज समवट हेयर, और यहाँ बीच में हमारा एटलांटिक ओशन है. सो एटलांटिक ओशन ने अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में एक तरह का बैरियर पैदा किया, एक तरह का डिविजन पैदा किया, ताकि वो दोनों लैंग्वेजेस अपनी अपनी जगह पर डेवलप कर सके. The second reason is the American English picked up words from Native American language as well as from Dutch, Spanish and French settlers. अब दूसरा कारण ये है कि जो American English है उसके जो कुछ शब्द हैं, कुछ words हैं, वो सिर्फ उसके सारे words British English के नहीं हैं, बल्कि वहाँ के जो कुछ words हैं वो कुछ Native American language के भी हैं, plus Dutch के भी हैं, स्पैनिश के भी हैं और फ्रेंच के भी हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि ब्रिटेन कभी भी किसी कंट्री के अधीन नहीं रहा, लेकिन अमेरिका जो था वहां पर बहुत सारी कंट्रीज की या बहुत सारी कॉलोनीज का रूल था. बिफोर इंडिपेंडेंस अमेरिका वॉज रूल्ड बाय नियरली 13 डिफरेंट कॉलोनीज, और उन कॉलोनीज के अंदर कुछ एरियाज जो थे वो नेटिव अमेरिकन्स के पास, जिन्हें हम रेड इंडियंस बोलते हैं, उनके पास थे. कुछ कॉलोनीज, कुछ एरियाज ब्रिटिश के पास थे. आई मीन द बिगेस्ट एरिया वाज विद द ब्रिटिश पीपल, बट उसके अलावा वहां पर फ्रेंच भी थे, वहां पर स्पैनिश भी थे और वहां डच लोग भी थे. अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ हिंदी आती है और आपका एक दोस्त है जिसको सिर्फ पंजाबी आती है, और कोई और दोस्त है उसको सिर्फ कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसे तमिल आती है. अब आप तीनों को एक ही जगह पर रहना है तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कोई ना कोई लैंग्वेज लाएंगे, या हो सकता है आप उसकी पंजाबी का या उसकी तमिल का कोई ना कोई वर्ड सीख ले, तो उस तरीके से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे. अब ये जितनी कॉलोनीज थी ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करती थी, एक दूसरे के साथ डीलिंग करती थी, तो ये डेवलप करने के लिए या अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाने के लिए इन्होंने एक दूसरे के लैंग्वेज के वर्ड्स उठा लिए. जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंट इन 1776, तो उसके बाद जब ये एक इकट्ठा हुआ, इसको आजाद तो हुआ 1776 में अमेरिका, बट इट बिकेम रिपब्लिक ऑन 4th of July 1783. अब इस टाइम जब ये अमेरिका, यहां अमेरिका था, यहां बन गया द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
तब तक वहां पर जो लैंग्वेज थी, इतने सालों से वो बोली आ रही थी लैंग्वेज, वो उनकी लैंग्वेज का एक मेन हिस्सा बन गई। इस कारण से उनके जो वोकैबुलरी है दैट्स नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ओनली ब्रिटिश इंग्लिश, बट उसके जो वर्ड्स हैं वो कुछ नेटिव अमेरिकन वर्ड्स भी हैं, कुछ डच भी हैं, कुछ स्पैनिश वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी हैं। थर्ड और वन ऑफ द मेजर रीजंस जो कि कारण बना अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अलग होने का, दैट इज नोआ वेबस्टर। अब ये नोआ वेबस्टर कौन है? नोआ वेबस्टर एक लेक्सिटोग्राफर हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ही डिसाइडेड टू सॉलिडिफाई एंड स्टैंडर्डाइज द अमेरिकन इंग्लिश इन हिज डिक्शनरी। अब इस समय तक बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ लैंग्वेज बोली जाती थी, बट नोरा वेबस्टर ने ये डिसाइड किया कि वो एक डिक्शनरी बनाएंगे। जैसे ऑक्सफर्ड डिक्शनरी है, दैट इज अ कंप्लीट ब्रिटिश डिक्शनरी, तो उस समय नोआ वेबस्टर ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें अमेरिकन इंग्लिश के सारे वर्ड्स होंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो। सो लेट्स सी हु इज नोआ वेबस्टर और उन्होंने क्या किया। नोआ वेबस्टर ही वॉज अ लेक्सिटोग्राफर। लेक्सिटोग्राफर वो होता है जो आपका डिक्शनरीज लिखते हैं। वो लोग जो डिक्शनरीज लिखते हैं या डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड करते हैं, उनके मीनिंग्स बताते हैं, उनको हम लेक्सिटोग्राफर्स कहते हैं। नाउ ही बिलीव दैट अमेरिकन लैंग्वेज शुड रिफ्लेक्ट द वे दे स्पोक एंड ही डिस्टिंक्ट एंड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश। उनका ये कहना था कि जो अमेरिकन लैंग्वेज है वो जैसी बोली जाती है वैसी ही वो दिखाई जानी चाहिए, और उससे वो एक डिफरेंस पैदा करे ब्रिटिश इंग्लिश के साथ। किस तरीके से? ही सिंप्लीफाइड द स्पेलिंग्स ऑफ मेनी वर्ड्स। उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स थे उनको बहुत सिंपल कर दिया। जैसे प्लो, PLOUGH, प्लो। देखिए, प्लो का मतलब होता है हल, राइट? हल चलाते हैं आप खेतों में, जो किसान लोग चलाते हैं। अब अगर आप उसकी साउंड सुने, प्लो, प्लो, प्लाउज नहीं बोलते। अगर हम यहां स्पेलिंग के हिसाब से लेते हैं, PLOUGH, प्लाउज बनना चाहिए, लेकिन इट्स प्लो। तो उन्होंने कहा कि जैसा हम सुनते हैं बस हमको वैसा ही लिख देना चाहिए, तो जैसा उन्होंने लिख दिया प्लाउ को प्लो, प्लो। लाइक सेंटर, सेंट्री नहीं है, देखिए यहां पे है CENTRE, बट ही सेड नो, आवाज आती है सेंटर तो TER होना चाहिए। लाइक कलर, ओ का साउंड यहां नहीं आ रहा है तो उन्होंने यहां पर ओ को यहां से हटा दिया। इसके अलावा ही ऑल्सो एडेड यू नो सम अमेरिकन, टिपिकल अमेरिकन वर्ड्स लाइक स्क्वैश। स्क्वैश, कई लोग स्क्वैश खेलते हैं, सो वो कुछ वर्ड्स को नोरा वेबस्टर ने अपनी डिक्शनरी में यूज किया। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस डाइवर्ज एंड कन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है कि वो एक जगह आके अलग अलग हो जाती हैं, और कन्वर्ज का मतलब है वो वापस आकर एक हो जाती हैं, राइट? सो ये जो भाषाएं हैं ये अलग भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो दो मिलकर एक भी हो रही हैं। सो डाइवर्ज मीन्स टू गेट सेपरेटेड, कन्वर्ज मीन्स टू गेट टुगेदर। अब ऐसा क्यों हुआ? द डिफरेंसेस इन द लैंग्वेजेस रीच्ड इट्स पीक राइट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में या अमेरिका में, उसके बाद मेनली ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये एकदम हाइट तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारे कंट्रीज जो जहां पर इन लोगों ने अपने कॉलोनीज बनाई थी या इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की, वहां पर जाकर इन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो वहां पर जाकर वो वही भाषा उन्होंने सिखाई जो बेसिकली वो बोलते थे। सेकेंड, इट ऑल्सो स्प्रेड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द केबल कल्चर। यू नो दीज टर्म्स हैव बिकम वेरी कॉमन। अमेरिकन इंग्लिश के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि
मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब है बेसिकली कंप्यूटर्स, राइट. यहाँ पर मेनली हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स, उसके बाद आप फोन्स वगैरह बात कर सकते हैं, बट इट स्टार्टेड बेसिकली विद द कंप्यूटर्स. क्योंकि कंप्यूटर्स, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स, बोलते हैं पहला नाम आपके दिमाग में आता है माइक्रोसॉफ्ट, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट है आपका, सन है, या जितनी भी लैंग्वेजेस, जितने भी मेन वो हैं, इनके ऑफिसर्स कहाँ हैं? दे आर ऑल इन अमेरिका. तो ऑब्वियसली जो उनका उन्होंने उसके अंदर अपना कोडिंग डाला होगा या लैंग्वेज डाला होगा, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द कंट्री. नाउ आई विल शेयर एन एग्जाम्पल विद यू. लॉन्ग टाइम बैक जब आपके कंप्यूटर्स नए नए आए थे, जब पेंटियम 1, पेंटियम 2, आई मीन आई एम टॉकिंग द बिग डेस्कटॉप, जो बड़े बड़े डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, आई रिमेम्बर माय फादर, ही गॉट अ पेंटियम 2 और 3 आई थिंक फॉर मी व्हेन आई वाज इन द स्कूल. तो मेरे फादर मेरे लिए वो क्लिक कर आए. जब उसके अंदर हम कलर का स्पेलिंग डालते थे COLOUR, तो वो नहीं लेता था. क्यों? और आज भी आप ये देखेंगे कि अगर आप COLOUR डालेंगे तो वो कंप्यूटर आपको नीचे एक रेड लाइन दिखा देता है, राइट. इस समय तो आप क्या है कि उसको इग्नोर करके आप आगे चले जाते हैं, लेकिन उस समय जब हमने, जैसे मैंने COLOUR डाला, तो वो कर्सर जो होता था वो उससे आगे नहीं जाता था जब तक हम उसे ठीक नहीं करते थे. अब तो डेवलप्ड हो गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट नियरली 20 इयर्स बैक. सो नाउ इट हैज इम्प्रूव. तो अब वो आगे चला जाता है, बट इट स्टिल शोज अ रेड लाइन टू यू. आप उसे इग्नोर कर देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल इट शोज अ रेड लाइन. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला है, दैट हैज बीन बेसिकली डेवलप्ड और पुट अप इन द USA. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. दूसरा जो मैंने आपसे कहा कि सेकेंड रीजन इज योर केबल कल्चर. अब केबल कल्चर क्या है? देखिए, पहले एक जमाना होता था जब केबल्स नहीं होते थे. केबल आई एम टॉकिंग अबाउट द टेलीविजन में जो आपके केबल चैनल्स आते हैं. तो जब वो नहीं होते थे, अगर आपको कोई मूवी देखनी होती थी, आई मीन आपके पास अब दूरदर्शन या एक आधा कोई इंडियन चैनल्स होते थे, तब आप फॉरेन की मूवीज नहीं देख पाते थे. और अगर आपको कोई फॉरेन की मूवीज देखनी होती थी, सो आपको उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली क्या करेंगे, या तो देखेंगे नहीं, और अगर देखनी है तो आपको फिर सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा मूवीज देखने के लिए, राइट. सो एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप एक मूवी देखने बाहर जा रहे हैं इंग्लिश, तो कम से कम 150 रुपए की टिकट होती थी. फिर आप दो लोग जाएंगे, फिर खाएंगे, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. मान लीजिए आपका 500 रुपया खर्चा हो गया. अब आजकल आप घर पर बैठे बैठे 200 रुपए, 300 रुपए महीने में आप एक दिन में एक नहीं बल्कि एक दिन में 20 पिक्चरें भी देख सकते हैं, राइट. और आप जितनी इंग्लिश मूवीज देखते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इंग्लिश मूवीज देख के मैं मेरी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी या मेरा स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगा. नो डाउट, यस, इट इफेक्ट्स, इट मेक्स अ डिफरेंस. लेकिन इस केबल कल्चर के फैलने की वजह से भी अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा पॉपुलर हुई अमंग द पीपल. क्यों? क्योंकि जितनी भी हॉलीवुड फिल्म बनती हैं, आउट ऑफ दोज 80%, ओके 80% भी ना बोलूं तो एटलीस्ट 70% मूवीज जो है वो आपका हॉलीवुड में बनती है. और हॉलीवुड कहाँ है? इट इज इन लॉस एंजेलिस, अमेरिका. तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज वो यूज करेंगे वो अमेरिकन इंग्लिश होगी. और आप बिना सोचे आप उसी इंग्लिश को फॉलो करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ग्रामर ठीक है कि नहीं है, ये है वो है, वट एवर द रीजन आर. इसमें हम आगे बात करेंगे कि डिफरेंस किस बेसिस पर है हमारे बिटवीन ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश. अभी तक हमने मेनली बात की डिफरेंस इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के बारे में, बट अब हम बात करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश के बारे में. हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया हैज बीन रूल्ड बाय ब्रिटिश फॉर नियरली 200 इयर्स. तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले, स्कूल्स, कॉलेजेस, और इंग्लिश स्प्रेड आउट किया. अब एक्चुअली इंग्लिश जो हम इंडियन इंग्लिश शुरू से बोलते आ रहे थे, हम इंग्लिश बोल रहे थे, दैट वॉज कंप्लीटली ब्रिटिश इंग्लिश. पर अब
जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिकन इंग्लिश बिकेम मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी और बिकॉज ऑफ द केबल कल्चर, तो उसका असर इंडिया में भी हुआ। अब हम लोग जो हैं, हम कंप्लीटली ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोलते, बट कहीं पर कभी कभी हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, कभी कभी हम अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं, और कभी कभी हम अपनी ही कोई बोलते हैं। बट हमारी जो इंग्लिश बनी है, ब्रिटिश इंग्लिश इज कंप्लीट ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश इज कंप्लीट अमेरिकन इंग्लिश, बट जो इंडियन इंग्लिश है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज इंग्लिश। वो डिफरेंस अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में हमने अपना जो डिवाइड किया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स, कि स्पेलिंग्स की गेसिस पे किस तरह से ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश डिफर करती है। पहले हम स्पेलिंग्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट ग्रामर, कि ग्रामेटिकली कैसे तीनों इंग्लिश में डिफरेंस आता है। फिर वोकैबुलरी की बात करेंगे कि वोकैबुलरी डिफरेंस कैसे आता है, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कुछ वर्ड्स, आई मीन सारे वर्ड्स ब्रिटिश और अमेरिकन एक ही तरह से बोलते हैं। कुछ वर्ड्स को बोलने में डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स हम अपनी भी बात करेंगे कि हम उसे किस तरह से बोलते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द डिविजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स। सबसे पहले डिफरेंस हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स। देखिए, जब हम बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आर ई एंड ई आर। अब देखिए, यहां पर मैंने वर्ड से पहले एक लाइन डाली है, यानी कि ये जो ई आर है या आपका आर ही है, यानी कि वो किसी वर्ड के एंड में आ रहे हैं, इसलिए यहां पहले लाइन डाली गई है, यानी कि इससे पहले जो भी वर्ड स्पेलिंग्स हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ई आर एंड आर ई, द वर्ड दैट एंड्स इन आर ई इज इन ब्रिटिश, राइट। जो वर्ड्स ब्रिटिश में आर ई में एंड होते हैं, यूजुअली अमेरिका में वो अदर वे राउंड होते हैं। अदर वे राउंड मतलब वो ई पहले पढ़ते हैं और आर बाद में पढ़ते हैं, राइट। सो ब्रिटिश में जो आर ई वाले वर्ड्स होते हैं, अमेरिकन उनको अदर वे राउंड, मतलब आर ई की जगह ई एंड आर, ई आर अदर वे राउंड पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स जैसा अभी हमने देखा था, जो आपका नोआ वेबस्टर के एग्जाम्पल में देखा था, सेंटर, हम ब्रिटिश में बोलते हैं सी ई एन टी आर ई, सेंटर, 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 दिस इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अमेरिकन्स दे कॉल इट एज सी ई एन टी ई आर, सेंटर। इंडिया में ऑफ कोर्स मैंने ऐसे आपसे कहा कि कुछ चीजों में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, कुछ चीजों में हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द स्पेलिंग्स मेनली हम ब्रिटिश स्पेलिंग्स को फॉलो करते आए हैं अभी तक, यस। अब कई लोग ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, कई लोग उसे अमेरिकन इंग्लिश की तरह यूज करते हैं, बट इंडिया में दोनों को में से आप जो भी यूज करेंगे, 90% इट्स नॉट रॉन्ग। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, देन यू शुड यूज ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट अमेरिकन इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर आफ्टर सेंटर जो आप देख रहे हैं वो है हमारा थिएटर, राइट। थिएटर, टी एच ई ए टी आर ई, अगेन एंडिंग इन आर ई, थिएटर। द सेम वर्ड इज स्पोकन इन अमेरिकन इंग्लिश लाइक थिएटर, टी एच ई ए टी ई आर, जैसा हमने देखा अदर वे राउंड, बट इन इंडिया अगेन एज आई सेड जस्ट लाइक द ब्रिटिश इंग्लिश। अगला है वो वर्ड्स जो एन सी ई या एन एस ई, सी यहां पर डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सी एंड एस, जैसे यहां तो बिल्कुल ही आगे पीछे हो गए, बट यहां पे सिर्फ सी ई और एस ई का डिफरेंस है। यूजुअली ब्रिटिश जो है वो यूज करते हैं विद एन सी ई एंडिंग, बट अमेरिकन्स दे प्रेफर टू यूज एन एस ई, राइट। एग्जाम्पल,
डिफेंस, DEFENCE. आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर, तो आपने स्पेलिंग ये देखी होगी इंडिया में. जैसा मैंने कहा कि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फॉलो करते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश इज DEFENSE. अगर बाय चांस अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं बाय सम अमेरिकन ऑथर, तो वहां पर आपको स्पेलिंग SE दिखेगा. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज द सेम डिफेंस. डिफेंस किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना. लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस, आई जस्ट गॉट माय ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? सो इट्स LICENCE. इन इंडिया अगेन जस्ट द सेम license, driving license or any kind of license you get. Some people they get a gun license, you know. So license hai jo bhi aapko milta hai. Or in case of America it is LICENSE. Jaisa humne dekha, the difference comes with CE and SE. Then we have is ISE and IZE. यहां पर spelling difference है with S and Z, right? SE is used by British and Z is used by Americans. So Americans use IZE ending, whereas British take it as a wrong spelling. अगर आप किसी American मतलब अगर आप किसी British के सामने IZE लिखेंगे तो कहेगा अरे ये तो गलत है, spelling mistake. But उनके लिए वो सही है, Americans के लिए, but for British it's wrong. So it's both ways. Example is organize, ORGANISE, British English organize. And in India again we also use SE. That's organize. But Americans, they are using it Z. I mean organize. 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 Apologize. Maafi mangna, right? Apologize. APOLOGISE. Apologize. I apologize for being late. I apologize for not doing my work. In India also, we use the same spelling. ISE ending. But American, you see the difference. It's APOLOGIZE. Apologize. Then comes the difference in OUR and OR. Actually, जो British हैं वो ending में OUR लगाते हैं, but Americans U को हटा देते हैं और सिर्फ OR रखते हैं. So as I said, in the British English ending is in OUR, but in America, you know, they dropped U. Like color, जो हमने spelling देखा था, COLOUR, ये British English है. और इंडिया में भी हम जब स्कूल्स में सीखते हैं कलर की स्पेलिंग, वी ऑलवेज लर्न COLOUR. बट अमेरिकन्स लाइक नोआ वेबस्टर सेड, इट्स शॉर्टन द वर्ड्स. जैसे बोलते हैं वैसे लिखो, यू का आवाज नहीं आ रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो फॉर देम द स्पेलिंग इज COLOR. लेबर, लेबर, LABOUR, like we have labor ministry and child labor and all that. So that labor, same in India is like same labor, and here it is labor, labor, LABOR. They have shortened the spelling. They have dropped U from this. Then we have is, in the end we have is single L and we have is double L. British जो है वो single L use करते हैं, but Americans जो है usually वो double L use करते हैं, right? Like example, enrollment, enrollment, like जब आप enroll करते हैं किसी course के लिए, right? So you get an enrollment form, right? So that enrollment I'm talking about. ENROLMENT, यहां पे देखिए सिंगल एल है, राइट? अब यहां पर ये बीच में आ रहा है, वो एंड में भी आ सकता है,
So it's not only in the end, but it can be in the middle also. But British prefer to use single L rather than Americans prefer to use double L, like enrollment. We also use the same enrollment, E-N-R-O-L-M-E-N-T. Whereas Americans, they use double L. Jaisa aapko maine bataya, E-N-R-O-L-L-M-E-N-T, enrollment. Skillful, skillful, S-K-I-L-F-U-L, skillful. Same we also use. In case of American English, it's S-K-I-L-L, skillful. Then if we talk about, again, somewhat ending, agar kisi ending ki baat karte hain, O-G-U-E, OG. अगर हम एंड में यूज कर रहे हैं, यूजुअली इट इज इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश उन्होंने आपका ये एंड का यू ई जो है एंड का उसको ड्रॉप कर दिया है. सो दिस इज बाय अमेरिकन इंग्लिश, सिर्फ ओ जी पे ही वो स्टॉप हो रहे हैं. इन ब्रिटिश द वर्ड यूज, यू नो द वर्ड्स दे यूज ओ जी यू ई, बट इन अमेरिकन दे ओनली यूज ओ जी. Example, dialogue. You know, India is having a dialogue with the Pakistan. They want to have some dialogue with Pakistan. And so, D-I-A-L-O-G-U-E. Same we also say. But in America, it is dialogue. D-I-A-L-O-G. देखिए यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पे हमारा था UE, उसको इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है. कैटलॉग, कैटलॉग, राइट. आपने कोई कुछ खरीदना है, या जैसे मान लीजिए अपने घर को पेंट कराना है, तो आप एक कैटलॉग देखते हैं, विच हैज गॉट ह्यूज सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स. सो दैट इज योर कैटलॉग, सी ए टी ए एल ओ जी यू ई. सेम वी यूज, सी ए टी ए एल ओ जी यू. But in Americans, again, they dropped UE from the end. So it's C-A-T-A-L-O-G, catalog. Many more. ये तो सिर्फ हमने कुछ examples किए थे, but इसके अलावा भी बहुत सारे और examples. अभी जो हमने एग्जाम्पल्स किए, आई मीन द डिफरेंसेस किए इन केस ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग, आई थिंक वी डिड अराउंड एट डिफरेंसेस. इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, लाइक ज्वेलरी. देखिए मैंने अभी आपसे बताया ब्रिटिश, यू नो, वैसे तो वो सिंगल एल यूज करते हैं, राइट, बट इन केस ऑफ ज्वेलरी इट्स जे ई डब्ल्यू ई डबल एल आर वाई. हम भी यही यूज करते हैं ज्वेलरी, एंड इट्स ज्वेलरी अमेरिका. वी से पायजामास, पायजामास, पी वाई, वी आर यूजिंग हियर वाई, पायजामास, राइट. इंडियंस ऑल्सो यूज पायजामास, पी वाई जे ए एम ए एस, पायजामास, बट अमेरिकन्स यहां पे उन्होंने वाई को ड्रॉप करके पजामास कर दिया, नॉट पायजामास बट पजामास. सी द डिफरेंसेस हियर. प्लो, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, हमने बात किया था प्लो यानी कि हल, हल, बट दे शॉर्टन, दे चेंज द स्पेलिंग, राइट. टायर, ये देखिए टायर दो होते हैं, टी आई आर ई, टायर, आई एम वेरी टायर्ड. इस टायर का मतलब होता है थकना, और इस टायर का मतलब होता है गाड़ी का टायर, राइट, टी वाई आर ई. So we also use the same tire spelling, like my tire, I need to change my tire. So tire अगर हम बोलते हैं, so we will say I need to change my car tire, right? लेकिन वहीं पे अगर एक अमेरिकन, ये मैं बोल रही हूं, let's say I'm an Indian, so I'm saying this, but वहीं पे अगर एक अमेरिकन इस चीज को बोलेगा, same sentence, but the writing spelling he will write for the tire will be I need to change my car tire, this one. So Americans में टायर की स्पेलिंग टी आई आर ई होती है. Then
सो अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने जो बात किया वो हमने स्पेलिंग्स के बारे में किया कि स्पेलिंग्स में किस तरह से डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश. अब मेनली हम बात करने वाले हैं ग्रामर की. और इसको आगे जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ ग्रामर हम लोग मेनली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. हम लोग मीन्स इंडियंस, तो इंडियन इंग्लिश जो है वो कंप्लीटली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, राइट. इन टर्म्स ऑफ ग्रामर हम इसको यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को, ना कि अमेरिकन इंग्लिश को, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश जो है उसकी प्रॉपर ग्रामर फॉर्मेट नहीं है. जैसा हमने पहले बात किया, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना था तो उस समय उनका मकसद था टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट. उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया रिगार्डिंग ग्रामेटिकल ठीक है कि नहीं है या जो भी है. बस उस समय उनका मकसद था अपने आप को दूसरे तक पहुंचाना, अपने बात को सामने वाले तक लेके जाना. सो दे डिड लाइक दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन, और नाउन का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब, एक्विपमेंट. नाउन, अगर सब्जेक्ट जो नाउन है हमारा, अगर वो सब्जेक्ट है तो किस तरह के उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है. इन केस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश कलेक्टिव नाउन्स कैन बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रुप इज थॉट एज वन आइडिया और मेनी इंडिविजुअल्स. अब जब कलेक्टिव नाउन्स है, आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन्स क्या है, क्योंकि हम कर चुके हैं नाउन्स क्या है, कलेक्टिव नाउन्स क्या है. इन केस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश अगर हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग, अगर आप उस कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल यूनिट लेके चल रहे हैं तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और अगर उसे आप प्लूरल लेके चल रहे हैं देन यू आर गोइंग टू यूज अ सिंगुलर वर्ब. जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो कॉमन नाउन को सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट लेके चलते हैं. और जैसा मैंने कहा कि हम इंडियंस जो हैं उस ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स. जो हमने कहा, विच टीम इज और आर विनिंग, कौन सी टीम जीत रही है या जीत रही हैं, राइट. देखिए, कौन सी टीम, विच टीम, टीम्स नहीं बोला हमने, कौन सी टीम जीत रही है या कौन सी टीम जीत रही हैं, राइट. हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, सेम थिंग वी आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, विच टीम इज विनिंग और विच टीम आर विनिंग. इंडियन में भी, इंग्लिश में भी हम ऐसे ही बोलेंगे, विच टीम इज विनिंग और विच टीम आर विनिंग, क्योंकि टीम जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है. टीम क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. बट अमेरिकन जो हैं वो हमेशा इसे एक सिंगल यूनिट लेते हैं, विच टीम इज विनिंग, वो इसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेके चलते हैं. द अदर टीम आर सिटिंग डाउन, जो बाकी टीम्स हैं, बाकी टीम है वो बैठी हुई हैं, बैठी हुई हैं, बिकॉज अदर टीम, बाकी टीम आर सिटिंग डाउन, अदर टीम आर सिटिंग डाउन. लेकिन अमेरिकन जो है वो कहेंगे अदर टीम इज सिटिंग डाउन, राइट. देन वी हैव अ डिफरेंस इन कॉन्जुकेशन. कॉन्जुकेशन होता है वर्ब्स, बेसिकली कॉन्जुकेशन इज द यूजेज ऑफ द वर्ब्स, जिसे हम वर्ब्स की फॉर्म्स बोलते हैं, v1, v2 एंड v3, उसे हम कॉन्जुकेशंस बोलते हैं. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल योर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑफ कोर्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दिस इज योर कॉन्जुकेशन. इसमें भी डिफरेंस होता है, लाइक
in some words, so we'll look into the examples, like burn. The first form is burn. The second form, Americans burned bolte hain. They don't, hum log bolte hain burnt. My hand got burnt, right? A British, because we follow the British. So it's B-U-R-N-T. And the third form is also burnt, B-U-R-N-T. Yahan par bhi hai B-U-R-N-T. But in case of American English, they say burned, you know. I burned my hand. And even in the third form, it is ED. Second example is dream. Yani ki sapna, right? Dream. I saw a dream, right? He dreamt about a car accident, right? Usne ek sapna dekha ki is cheez ka ki ek accident ho gaya hai. So it's dreamt. Hum log dreamt bolte hain. Just like British people, we say dreamt. And the third form is also dreamt. But Americans, they say dreamed. I dreamed about so and so person. I dreamed about Tom Cruise. I dreamed about someone. Learn. Yaad karna. It is learned. Learned. Learned in case of American. It's E-D-E-D. But in case of British, it's T. Learned. 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 Pause. Go. So let's go for some other examples, more examples in case of this. Like British English, the verb hai hamara get. Ab pehle hum British ki baat kar lete hain. Second form is got and third form is got. Same is in the Indian English, like got and got. I got a new dress on my birthday. And I have got 12 years of experience. Yahan pe got third form hai. But वहीं पर जब हम American English की बात करते हैं, so it's get, got and gotten. यहाँ पर देखिए ये change है हमारा, ये same है got, but यहाँ पर हमारा third form is gotten. In case of the verb fit, like you know, in case of British it is fitted and fit. Same is in the Indian English, fitted and fit. But in case of American English, ये verb same रहता है, fit. Fit and fit. So, pehle humne dekha in case of a noun, jab hum noun ko, common noun ko singular ya plural lete hain in case of British. Uske baad humne dekha in terms of the different forms of the verb. Aur ab hum baat karenge next ki, which is tenses. So, tenses, in case of tenses, the speakers of British English use present perfect tense more than the American speakers. American speakers jo hain, wo present perfect tense ko itna use nahin karte, jitna British karte. Balki, wo jo hain, wo us case mein prefer karte hain to use a simple past. Tense, same situations ke par. Aur, हम लोग जैसे हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि हम इंडियंस जो हैं वो फॉलो करते हैं ब्रिटिश को इन दिस ग्रामर केस. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख के समझने की कोशिश करते हैं. जैसा चलिए अब एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं. जैसा हमने अभी बात किया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पीकर्स हैं वो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अमेरिकन्स हैं सेम सिचुएशंस में सिंपल पास्ट टेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं. और हम मींस इंडियंस जो हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क खत्म कर चुके हो? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? Indian English, have you finished your homework? But same situation mein, agar ek American native bol raha hai, to wo bolega, did you finish your homework? Dekhiye, difference. Jaise kaha tha, they prefer to use present perfect tense and they prefer to use simple past
tense. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म. मान लीजिए मेरा फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड, वो मुझे कह रही है कि चल यार ये फिल्म देखने चलते. अरे वो फिल्म मैं पहले ही देख चुकी हूं. राइट. सो इट इज आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म और मूवी. जबकि एक ब्रिटिश बोलेगा आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म. वहीं पे आई, यहां पे देखिए आई हैव ऑलरेडी सीन. राइट. वहीं पे सेम सिचुएशन में एक अमेरिकन बोलेगा आई ऑलरेडी सॉ दैट मूवी. अब यहां पर आप देखेंगे एक फिल्म और एक मूवी है और यहां पर हमने दोनों लिखे हैं. ये डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी जो हम ग्रामर के बाद डिस्कस करेंगे. ये वोकैबुलरी डिफरेंस है. बट टेंसेस की बात करें तो यहां पर यूज हो रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और यहां यूज हो रहा है हमारा सिंपल पास्ट. एक और एग्जाम्पल देते हैं. आई कांट फाइंड माई कीज, हैव यू सीन देम एनीवेयर. मुझे चाबियां नहीं मिल रही हैं. हैव यू सीन देम एनीवेयर, क्या तुमने उनको कहीं देखा है. सेम अगर मैं बोलूंगी बींग एन इंडियन, आई विल से आई कैन नॉट फाइंड माई कीज, हैव यू सीन देम एनीवेयर. मुझे कीज नहीं मिल रही है, तुमने कहीं पे देखी है. वहीं पे एक अमेरिकन बोलेगा आई कांट फाइंड माई कीज, डिड यू सी देम एनीवेयर. डिड यू सी, सी Have you seen? And here it is, did you see? See here. This is a basic difference in case of British and American and of course Indian English, क्योंकि हम तो British को follow कर रहे हैं in terms of grammar. अब difference आता है in case of modals. Modals, कई लोग इसे modals भी बोलते हैं, but it's modals or modals, the same thing. Main difference comes in the usage of will and shall. British often use will and shall in the statements referring to future with I and we. जो British हैं वो ज्यादातर will और shall को use करते हैं I और we के साथ future के बारे में बात करने के लिए. Whereas Americans use will to show the future. और आजकल currently we Indians are also using will to show future. आजकल पिछले शायद कुछ 5-6 सालों में थोड़ा सा चेंज आया है. हाँ अगर हम अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, इवन आज भी स्कूल में बच्चे सीखते हैं, वो विल और शैल दोनों सीखते हैं. क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो नॉर्मली रिवाइव नहीं होती हैं, और क्योंकि इंडिया में जितनी टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं हमारी यूजुअली दे आर बाय कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की होती हैं एंड दे आर ऑल ब्रिटिश पब्लिकेशंस. बट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल यूजेज इन केस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आजकल हम इंडियंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विल को यूज कर रहे हैं फ्यूचर दिखाने के लिए. एग्जाम्पल्स आर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल टुमारो. हम कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. वी शैल बी, वी विल भी नहीं बल्कि वी शैल बी हमने यूज किया, क्योंकि मोस्टली हम यहां पर शैल को यूज करते हैं विद आई एंड वी. दैट्स द फर्स्ट पर्सन. और के साथ नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ आई और वी के साथ बात कर रहे हैं. बट इन अमेरिकन दे विल से वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. यहां पर उन्होंने शैल की जगह विल को यूज किया है. सेम हियर इन केस ऑफ इंडियन इंग्लिश, हम यहां पर विल को प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ शैल. Now the difference comes also on the basis of prepositions. Like at the weekend and on the weekend, right? Now British जो हैं वो अक्सर use करते हैं at the weekend, right? I am planning to go to Switzerland at the weekend. वीकेंड, जब प्लीज ध्यान रखिएगा यहां हम बात सिर्फ वीकेंड यूज करने की कर रहे हैं. जब भी हम वीकेंड वर्ड यूज करते हैं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं. तो ब्रिटिश दे प्रेफर टू यूज एट विद इट, वेयर एज अमेरिकन्स यूज ऑन विद इट.
और हम इंडियंस जो हैं हम दोनों यूज करते हैं आजकल. सो ब्रिटिश इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, तुम वीकेंड पर क्या कर रहे हो. अमेरिकन विल से लेट्स हैव अ बारबेक्यू ऑन द वीकेंड, चलिए बारबेक्यू करते हैं वीकेंड पे, लेट्स हैव अ बारबेक्यू ऑन द वीकेंड. सॉरी आई एम बिजी एट द वीकेंड और ऑन द वीकेंड, मैं वीकेंड पर या वीकेंड में बिजी हूं. अब अगर मैं इसे अदर वे राउंड कर दूं, मान लीजिए एक अमेरिकन ये स्टेटमेंट बोलता है, एक अमेरिकन जो है वो ये बोल रहा है, तो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड, राइट. और मान लीजिए इंडियन है वो ये बोलेगा लेट्स हैव अ बारबेक्यू एट द वीकेंड या ऑन द वीकेंड. तो ब्रिटिश यहां पे क्या बोलेगा, सॉरी आई एम बिजी एट द वीकेंड, राइट, एट द वीकेंड. अब हम बात करते हैं अगेन फॉर प्रेपोजिशन व्हिच इज इन एंड ऑन विद द स्ट्रीट नेम्स. जब भी हम किसी स्ट्रीट नेम्स की बात करते हैं तो उसके साथ प्रेपोजिशन डिफरेंस आता है राइटिंग ऑफ इन में या ऑन के अंदर. ब्रिटिश ऑफन यूज इन विद द स्ट्रीट नेम्स. जब भी एक स्ट्रीट नेम्स की बात करते हैं ब्रिटिश जो है वो ज्यादातर इन यूज करते हैं, बल्कि अमेरिकन्स जो है वो ऑन यूज करते हैं और हम इंडियंस वी यूज इन विद इट. लाइक देयर वर अ लवली फैमिली, दे लिव्ड इन वॉल्टन स्ट्रीट. वो एक बहुत लवली फैमिली थी, वो वॉल्टन स्ट्रीट में रहती थी, दे लिव्ड इन वॉल्टन स्ट्रीट. वेयर एज हम भी इन ही यूज करते हैं, बल्कि अमेरिकन्स जो हैं दे विल से दे वर अ लवली फैमिली, दे लिव्ड ऑन वॉल्टन स्ट्रीट, राइट. अर्लियर आई यूज टू लिव इन पैरट स्ट्रीट. मैं बोलूंगी अर्लियर आई यूज टू लिव इन पैरट स्ट्रीट. जैसे हमारे इंडिया में मोहल्लों के नाम होते हैं, अमेरिका में स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, राइट. यू लिव ऑन द स्ट्रीट्स. इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि आप उस जगह, उस स्ट्रीट पर आपका घर है. सो अमेरिकन विल से आई यूज टू लिव ऑन पैरट स्ट्रीट. Then we have is preposition in and for with a period of time. जब भी हम किसी period of time की बात करते हैं तो उस केस में Americans जो हैं वो वहां पर now the difference comes with the preposition at and in with the names of the universities or some other institutions. Usually जो ब्रिटिश होते हैं वो at यूज करते हैं ज्यादातर universities या किसी भी institutions के नाम के साथ, और वहीं पर जो Americans हैं वो इनको यूज करते हैं उनके साथ, और हम Indians यहाँ पर at को यूज करते हैं for the same. Example is she studied French at High school. उसने high school में French पढ़ा. So it's at. और हम लोग भी यही बोलते हैं. She studied French at high school at. इसके अलावा another example अगर हम देखते हैं, अगर आप यहाँ Americans के लिए देखें, so she studied French in high school. Contrary to the British and Indian English, they use in. I studies humanities at universities. मैंने यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, at the university. Same as I studied humanities at the universities. वहीं पर an American will say I studies humanities in the university.
In British English, to is always used after the verb write, right? जब भी हम write verb को use करते हैं, British English में हमेशा उसके बाद हम to को use करते हैं, लेकिन American English में this to can be omitted. Omitted मतलब उसे छोड़ा भी जा सकता है write के बाद. और here in India, we use or we follow the British English. I promised to write to her every day. मैंने उसे promise किया कि मैं उसे रोज चिट्ठी लिखूंगी. I promise to write to her every day. Same here, I promise to write to her every day. But American, वो नहीं यहाँ पर to हटा देंगे. I promise to write her every day. तो ये थे हमारे कुछ differences जो हमने देखे in terms of our grammar. पहले हमने बात किया spellings का और उसके बाद हमने बात किया हमारा ग्रामर का कि किस तरह से एक ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश ग्रामेटिकली डिफरेंट होते हैं. अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की. सो अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की कि किस तरह से हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तीनों में इन केस ऑफ वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वोकैबुलरी सेक्शन नाउ. यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूजुअली हम लोग यहाँ पर इसे लिफ्ट बोलते हैं. ब्रिटिश जो होते हैं वो इसे लिफ्ट बोलते हैं और वहीं पर जो हमारे अमेरिकन्स होते हैं दे कॉल इट एज एलिवेटर्स, वो इसको एलिवेटर्स बोलते हैं. यूजुअली इंडिया में हम एलिवेटर्स इस तरह से जो आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे होते हैं हम उनको, या आप लोगों ने मॉल्स में देखा होता होगा, हम इन्हें एक्सेलरेट एलिवेटर्स यूजुअली बोलते हैं. बट इन अमेरिका उनके लिए ये जो लिफ्ट है हमारी, जिसे हम लिफ्ट बोलते हैं, उन्हें ही वो एलिवेटर्स बोलते हैं. सो ब्रिटिश दे से लिफ्ट्स, अमेरिकन्स दे से एलिवेटर्स और इंडिया में हम उसे लिफ्ट बोलते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, ब्रिटिश इसको बिस्किट्स बोलते हैं और अमेरिकन इनको कुकीज बोलते हैं. कुकीज. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हम इन्हें यूजुअली बिस्किट्स कहते हैं. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई इसे कुकीज नहीं कहता. कुछ लोग हैं जो इसे कुकीज भी कहते हैं, बट वो नंबर रिलेटिवली बहुत कम है. अब ऐसा आप इसमें वोकैबुलरी सेक्शन में देखेंगे, बहुत सारी जगह पर हम कई बार ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, कई बार हम अमेरिकन इंग्लिश की वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको इन दोनों से अलग भी दिखाई देंगे. उसका रीजन ये है कि यस, वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज वी हैव बीन रूल्ड बाय ब्रिटिश पीपल. लेकिन जैसा हमने देखा था कि केबल कल्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत एकम्पनीड हो गए हैं अमेरिकन वर्ड्स के भी, तो हमें उनके बारे में भी पता है, इसलिए हम दोनों को यूज करते हैं. और इंडिया में रहकर अगर आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो. लेकिन अगर मैं एक ट्रू ब्रिटिश की बात करूंगी तो एक ट्रू ब्रिटिश कभी भी कुकीज नहीं बोलेगा, और दूसरी तरफ एक अमेरिकन जो है वो कभी भी बिस्किट्स नहीं बोलेगा, वो अपने वर्ड्स ही बोलेंगे. लेकिन यूजुअली इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं और उन्हें गलत नहीं मानते हैं. सो ब्रिटिश कॉल दिस एज बिस्किट्स एंड अमेरिकन कॉल देम एज कुकीज एंड वी कॉल देम एज बिस्किट्स. देन हेयर आप यहां देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कुछ पतझड़ जैसा है, पेड़ पीले पीले हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं. अमेरिकन इसे बोलते हैं ऑटम, राइट? लाइक वी हैव अ सीजन, ऑटम सीजन होता है हमारा. सो ब्रिटिश इसे ऑटम बोलते हैं और अमेरिकन इसको फॉल बोलते हैं. ओ यू नो दीज डेज वी हैव फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब गिरना नहीं, या हम लोग फॉल्स झरनों को बोलते हैं. सो here we are talking about the autumn season. Fall इसलिए बोलते हैं वो क्योंकि इस सीजन में पत्ते गिरते हैं. And in India we use autumn. हम autumn बोलते.
इन केस हेयर इफ यू सी हम इंडिया में इसे ट्रक बोलते हैं, ब्रिटिश जो है वो इसे लॉरी बोलते हैं, लॉरी, राइट, ही इज अ लॉरी ड्राइवर, अमेरिकन उसे ट्रक बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर हम इंडियंस जो हैं वो लॉरी ना यूज करके बल्कि ट्रक यूज कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स, राइट। सो ट्रक, ही ड्राइव्स अ ट्रक, तो यहाँ पर हम ट्रक यूज कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्लाइड्स आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश जो हैं वो उसे पेट्रोल बोलते हैं, अमेरिकन कॉल देम एज गैस, गैस, एंड हम लोग गैस नहीं बोलते, हमारे लिए गैस का मतलब एलपीजी होता है, हम लोग उसे पेट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ फिल्म, जो ब्रिटिश होते हैं वो यूजुअली फिल्म बोलते हैं और जो अमेरिकन हैं वो उसे मूवी बोलते हैं, लेकिन बीइंग इन इंडिया हम दोनों बोलते हैं, हम फिल्म भी बोलते हैं और मूवी भी बोलते हैं। हाँ, डिड यू सी दैट फिल्म, दिस मूवी इज रिलीजिंग, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स, द मूवी वॉज वेरी नाइस और द फिल्म वॉज वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ब्रिटिश दे कॉल इट एज फिल्म, अमेरिकन्स दे कॉल इट एज मूवी, बट वी कॉल द मैथ फिल्म और मूवी। ये देखिए अब आप इस पिक्चर में देखिए क्या लगा है, ये बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक्स के बाहर ऐसी लंबी लंबी लाइंस लगी थी। दिस ब्रिटिश दे कॉल दिस एज क्यू, प्लीज स्टैंड इन द क्यू, अमेरिकन्स कॉल दिस एज लाइन। और यूजुअली हम इंडिया में लाइन ज्यादा यूज करते हैं, हम ये नहीं कह रही मैं कि क्यों नहीं बोलते, मेनी पीपल से यहाँ पर मैंने वो दिए हैं जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग उसे लाइन बोलते हैं। अरे भाई लाइन में लग जाओ, लाइन मत तोड़ो, दे डोंट से क्यू में लग जाओ। सो समटाइम्स अगर आप क्यू बोलते हैं तो हो सकता है कि किसी को क्यू क्या है ये समझ ना आए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज हैंड बैग, आप जानते हैं लेडीज जो बैग लेते हैं जिसे आई मीन ब्रिटिश उसे हैंड बैग्स बोलते हैं, एंड अमेरिकन कॉल इट एज पर्स, पर्स। अब तो आप समझ गए होंगे इंडिया में ज्यादातर हम पर्स यूज करते हैं, मुझे पर्स लेना है, मेरा पर्स घर पे रह गया, एंड ऑल दैट। और पर्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो पर्स के अंदर एक छोटा हैंड क्लचर पर्स भी आता है और जो हैंगिंग वाला होता है वो भी आता है, तो पर्स में हम दोनों इंक्लूड करते हैं इंडिया में। बट यूजुअली आप फॉरेन में जाएंगे तो आप पर्स के लिए वो लंबा वाला पर्स जो लेडीज लेती हैं गोइंग फॉर वर्क, तो और आजकल कुछ लोग हैंड बैग्स भी बोलते हैं, बट ज्यादातर इंडिया में हम पर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटिश यूज अ वर्ड टैक्सी, आ आई नीड टू हायर अ टैक्सी, और वहीं पर अमेरिकन जो हैं वो यूज करते हैं कैब। और आपने देखा होगा कि पहले जब ये आपकी ओला एंड उबर नहीं आई थी उससे पहले हम टैक्सी बोलते थे इंडिया में, सो हम टैक्सी भी बोलते थे, और अब भी कई लोग बोलते हैं टैक्सी बुला लो, टैक्सी कर लो, बट अब क्योंकि जब से आपका ये ओला एंड उबर्स आई हैं लोग कहते हैं कैब, ओला आई हैव टू बुक अ कैब, लेट्स बुक अ कैब। सो हम आजकल दोनों यूज करते हैं, वी यूज टैक्सी ऑल्सो एंड वी यूज कैब। अगला है कैश पॉइंट, देखिए कभी आपने सुना है नहीं, लेकिन एटीएम बोलूंगी तो आपको एकदम अरे एटीएम, ओ या, आई नो आई नो आई नो, तो आपने यूज किया है, ऑलमोस्ट आजकल हर कोई एटीएम्स यूज करता है, बट एक्चुअली जो ब्रिटिश हैं वो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है कैश पॉइंट। हो सकता है आपने कभी किसी एटीएम के बाहर ग्लास पे या कहीं देखा भी हो, बट आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि कैश पॉइंट आखिर होता क्या है। सो कैश पॉइंट मीन्स एटीएम, और इंडिया में हम ज्यादातर एटीएम ही यूज करते हैं, बट आपका मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने मेरे घर के सामने एक एटीएम है
उसके ग्लास डोर के ऊपर कैश पॉइंट लिखा हो. हाँ, ऊपर बोर्ड पे बड़ा बड़ा एटीएम लिखा है, बट ऑन द ग्लास डोर ऑफ दैट एटीएम इट्स रिटन कैश पॉइंट. सो कैश पॉइंट क्या है? सेम थिंग, इट्स एटीएम. कैश पॉइंट इज स्पोकन बाय ब्रिटिश एंड एटीएम इज स्पोकन बाय अमेरिकन्स. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रिटिशर्स, दे से द वर्ड ट्राउजर्स. आई नीड टू बाय न्यू ट्राउजर्स. Or you have to wear only trousers for your interviews. You cannot wear jeans and all that. You need to wear trousers for your interviews. वहीं पर same चीज़ है. Americans उसे pants बोलते हैं. Pants, not trousers. और India में हम दोनों use करते हैं. Pants भी बोलते हैं और trousers भी बोलते हैं. The next word is underground passage. ब्रिटिशर्स बोलते हैं अंडरग्राउंड पैसेज और अमेरिकन्स दे यूजुअली कॉल इट एज सबवे. आपको पता है सबवेज जो होते हैं रोड के एक तरफ से जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक्स होते हैं वहां पर गवर्नमेंट या एमसीडीज सबवेज बनाती हैं. आप नीचे से ही क्रॉस कर जाते हैं और इंडिया में भी हम उसे ज्यादातर सबवेज बोलते हैं रादर देन योर अंडरग्राउंड पैसेज. द नेक्स्ट इज योर स्वीट्स, मिठाई. स्वीट्स यहाँ पे सिर्फ मिठाई नहीं, यहाँ पे स्वीट्स का मतलब होता है ओके, ऑन माई डॉटर्स बर्थडे शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द क्लास. तो उसने मिठाई नहीं बांटी थी बल्कि उसने कुछ टॉफीज बांटी थी. बट हम इंडिया में उसे स्वीट्स बोलते हैं. बट द सेम थिंग अमेरिकन्स कॉल देम एज कैंडीज. यस, दे कॉल इट एज. फिल्म मूवी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अभी इसके बाद है हमारा केमिस्ट. ब्रिटिश दे से केमिस्ट और अमेरिकन्स दे कॉल इट एज ड्रग स्टोर. केमिस्ट शॉप और अ ड्रगिस्ट और अ ड्रग स्टोर. आई नीड टू गो टू मार्केट टू बाय सम मेडिसिन फ्रॉम द ड्रग स्टोर, एन अमेरिकन विल से. ब्रिटिश विल से केमिस्ट. लेकिन इंडिया में हम ड्रग स्टोर ज्यादा यूज नहीं करते, बट इसके अलावा हम केमिस्ट यूज करते हैं एंड फार्मेसी. दिस इज अनदर वर्ड जो हम एक्चुअली इंडिया में यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. द नेक्स्ट वर्ड इज प्लास्टर. ब्रिटिश यहां प्लास्टर वो हड्डी टूटने के बाद चढ़ने वाला प्लास्टर नहीं, लेकिन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल अगर खून निकल जाए आपको पट्टी चढ़ा देते हैं, उनको भी अब जो ब्रिटिश हैं वो उसको कहते हैं प्लास्टर. बट अमेरिकन्स दे कॉल इट एज बैंडेड. बैंडेड और इंडिया में भी हम उसे बैंडेड ही बोलते हैं. प्लास्टर हम लोग उसको बोलते हैं जो हड्डी टूट जाए और वो व्हाइट सीमेंट लगा के जो लगाया जाता है उसे हम लोग प्लास्टर बोलते हैं. देन द हेड ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर. British call them as MD, that is the managing director. Same चीज है, same position, but हम उस अमेरिकन जो है वो उन्हें CEO बोलते हैं, chief executive officers. India में हम दोनों use करते हैं. मैं आपको example देती हूँ. देखिए Tata group का head है रतन टाटा, right? But अगर आप उनके नाम के साथ देखेंगे कभी, वो हमेशा बोलते हैं the MD of Tata group. He is called as the MD of Tata group. वहीं पर अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो मुकेश अंबानी इज द सीईओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. ये नहीं बोलते दैट मुकेश अंबानी इज द एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री. वो अपने नाम के साथ सीईओ लगाते हैं, ना कि एमडी. वेयर एज मिस्टर रतन टाटा ही एड्स एमडी विद हिज नेम. अब इंडिया में ही आप देख रहे हैं दोनों चीजें होती हैं. देन इन इंडिया वी हैव अ डस्ट. इट्स डस्ट बिन, BIN, डस्ट बिन. और इंग्लिश अमेरिकन दे कॉल इट एज गार्बेज कैन और ट्रैश कैन, राइट? एंड इन इंडिया यूजुअली वी से डस्टबिन्स, कि रोड पे डस्टबिन्स हैं, डोंट थ्रो द थिंग्स ऑन द रोड, थ्रो इट इन द डस्टबिन्स. और अगर आप यहाँ ट्रैश कैन देखते हैं तो आपने ये वर्ड यूजुअली कंप्यूटर्स में देखा होगा, जो आप जिस चीज को डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश कैन में चली जाती है. देन अनदर सेट ऑफ वर्ड्स वी हैव इज, फर्स्ट इज योर गार्डन. जो आपका गार्डन होता है, यूजुअली हम लोग भी उसे गार्डन बोलते हैं.
अमेरिकन्स जो हैं वो उन्हें यार्ड्स बोलते हैं, यार्ड नॉट अ गार्डन. इंडिया में हम गार्डन बोलते हैं या पार्क भी बोल देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स. देन इज हॉलीडे, समर हॉलीडेज आने वाले हैं राइट, और योर विंटर हॉलीडेज. एंड अमेरिकन्स दे कॉल इट एज वेकेशंस. इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं. पहले हम ज्यादातर हॉलीडेज ही बोलते थे, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, बट नाउ वी से समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस. तो ये वर्ड अब हम ज्यादा मतलब ये भी यूज करने लगे हैं विद हॉलीडेज. देन वी हैव इन दिस वर्ड विच ब्रिटिश कॉल इट एज जम्पर एंड अमेरिकन कॉल इट एज स्वेटर. स्वेटर तो आप जानते हैं सर्दियों में सब लोग पहनते हैं. सो सेम चीज है, अमेरिकन उसे स्वेटर बोलते हैं, ब्रिटिश उसे जम्पर बोलते हैं, और इंडिया में हम उसे स्वेटर बोलते हैं, नॉट जम्पर. जम्पर लोगों के लिए कुछ और होता है इंडिया में. देन वी हैव इज फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल. आपने एड देखा होगा आजकल टेलीविजन में बहुत ज्यादा आता है. सो ब्रिटिश कॉल इट एज फुटबॉल एंड वी ऑल्सो इन इंडिया कॉल इट एज फुटबॉल, बट सेम चीज सेम स्पोर्ट्स अमेरिका इट इज कॉल्ड सॉकर. यस, बट इन ब्रिटिश एंड मोस्टली पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड एज फुटबॉल, और जिसे हम बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप राइट. सो दैट्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा. सो इट्स फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन, नॉट सॉकर एसोसिएशन. देन वी हैव इज टॉयलेट और लू. टॉयलेट ब्रिटिश जो है वो उसे टॉयलेट भी बोलते हैं और उसे लू भी बोलते हैं. एंड इन अमेरिका दे कॉल इट एज वॉशरूम और रेस्ट रूम्स. इंडिया में उसे टॉयलेट भी कहा जाता है, वॉशरूम्स भी कहा जाता है, एंड इंडिया में कई लोग उसे बाथरूम भी बोल देते हैं. टॉयलेट आप जानते हैं क्या है, आपने फिल्म भी देखी होगी, बहुत पॉपुलर फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा. वॉशरूम भी बोलते हैं, मे आई गो टू द वॉशरूम, एंड बाथरूम ऑफ कोर्स. आजकल आप कई जगहों पे स्पेशली एट द एयरपोर्ट्स और कई अगर आप होटल्स में जाते हैं बड़े बड़े, वहां पर आपको रेस्ट रूम भी लिखा हुआ दिखता है. इवन इन द मल्टीप्लेक्स अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार बाहर टॉयलेट नहीं लिखा होता बल्कि रेस्ट रूम लिखा होता है. सो दिस वर्ड इज ऑल्सो इमर्जिंग दीज डेज. द नेक्स्ट इज मोटरवे. ब्रिटिश उसे मोटरवे बोलते हैं और अमेरिकन सेम चीज को हाईवे बोलते हैं. हाईवे तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं, सो हम भी उसे हाईवे ही बोलते हैं. देन वी हैव इज लेटर बॉक्स. लेटर बॉक्स तो आपको पता है जिसमें आपकी चिट्ठियां आती हैं, या आप चिट्ठी डालें तो आप लेटर बॉक्स में डालते हैं. अमेरिकन्स कॉल इट एज अ मेल बॉक्स. मेल, मेल सेम थिंग, लेटर मेल, मेल बॉक्स. बट यूजली इन इंडिया वी डोंट कॉल इट एज अ मेल बॉक्स, बट हम उसे लेटर बॉक्स बोलते हैं. सो लेटर बॉक्स से, लेटर बॉक्स से रिलेटेड पर्सन है पोस्टमैन, जो आपकी चिट्ठियां डिलीवर करता है. इंडिया में भी हम उसको पोस्टमैन ही बोलते हैं, बट अमेरिकन्स जो हैं उसे मेल मैन. देखिए जब यहां मेल है सो यहां से यहां ये आ गया, इट्स मेल मैन. द नेक्स्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड इज फ्लैट. फ्लैट इंडिया में ज्यादातर हम उसे फ्लैट या अपार्टमेंट बोलते हैं. अमेरिकन्स कॉल इट एज अपार्टमेंट. तो फ्लैट पहले ज्यादातर हम फ्लैट्स बोलते थे, आजकल कुछ लोग अपार्टमेंट भी बोलने लग गए हैं. रिसेप्शनिस्ट. रिसेप्शनिस्ट आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर एक बंदा या एक लड़की मिलती है जो रिसेप्शन पे बैठा होता है, वो होता है हमारा रिसेप्शनिस्ट. अमेरिकन्स दे कॉल हिम और हर एज डेस्क क्लर्क. दे कॉल देम एज डेस्क क्लर्क, और इंडिया में हम उसे रिसेप्शनिस्ट ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर रिसेप्शनिस्ट कहाँ होता है, ऑफिस में राइट. सो ब्रिटिश कॉल देम एज ऑफिस एंड अमेरिकन्स दे कॉल इट एज वर्क प्लेस, और इंडिया में हम ज्यादातर ऑफिस. Then we have, British call it as fizzy drink or
सॉफ्ट ड्रिंक फिजी, आपने एड भी देखा होगा फिजी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, अमेरिकन दे कॉल इट एज सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक, इंडिया में ज्यादातर हम उसे सॉफ्ट ड्रिंक ही बोलते हैं. देन वी हैव इज पेवमेंट, पेवमेंट पता है रोड के किनारे जो चलते हैं पेवमेंट बोलते हैं ब्रिटिश, एंड अमेरिकन कॉल इट एज साइड वॉक, दे कॉल इट एज साइड वॉक. वहीं पे जो इंडियंस हैं दे कॉल इट एज पेवमेंट. देन वी हैव इज कबर्ड, कबर्ड ब्रिटिश दे कॉल इट एज कबर्ड, अमेरिकन दे कॉल इट एज कैबिनेट, और इंडियंस उस सेम चीज को अलमीरा बोलते हैं. एक्चुअली अलमीरा जो है ये एक हिंदी वर्ड अलमारी का आप कह सकते हैं अभ्रष्ट वर्ड है, मीन्स अलमारी से वो अलमीरा बन गया. ज्यादातर लोग इंडिया में अलमीरा बोलते हैं. हाँ कबर्ड भी बोलते हैं, अलॉट से कबर्ड नहीं बोलते, कबर्ड भी बोला जाता है, बट मोर ऑफन दे स्पीक इज अलमीरा. The next word we have is rubber. Rubber, ये वो प्लास्टिक वाला नहीं बट वो किताबें मिटाने वाला रबर है. Americans call it as eraser and in India we call it as rubber and eraser. पहले I remember when I was in the school हम लोग ज्यादातर रबर बोलते थे, रबर देना, मैं रबर नहीं लाया, but nowadays we call it as eraser. Then the next word we have is lass. लास ब्रिटिश बोलते हैं लास, अमेरिकन्स बोलते हैं गर्ल, लड़की. लास मीन्स लड़की एंड लाड मीन्स लड़का. इंडिया में हम उसे ऑब्वियसली गर्ल एंड बॉय बोलते हैं, ना कि लास एंड लाड. सो ब्रिटिश कॉल अ गर्ल एज लास एंड वी कॉल गर्ल एज गर्ल ओनली, लाइक अमेरिकन्स टू. वहीं पे लड़के को लाड बोलते हैं और अमेरिकन्स उसे बॉय बोलते हैं और हम भी उसे बॉय ही बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज कार पार्क. कार पार्क, आप जाते हैं तो कार को पार्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड कार पार्क. अमेरिकन्स दे कॉल इट एज पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट, बट इन इंडिया वी यूज बोथ, बट मोर एंड मोर पीपल यूजेस कार पार्क. देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज टाइम टेबल. यू हैव टू वर्क, I mean, if you are preparing for your exam or if you are, you know, studying, you have to study according to the timetable. British उसे timetable कहते हैं and Americans उसे schedule कहते हैं. Schedule. India में पहले हम timetable ज़्यादा बोलते थे, अब कुछ लोग जो हैं वो schedule भी बोलने लग गए हैं. Then the next word is bar. Bar, जहाँ लोग पीने जाते हैं. And in America, it is called pub. India में ज्यादातर वो bar कहलाए जाते हैं, but still many people, they have started calling it as pub also. Then the next one we have is solicitor. Solicitor होता है वकील. British उसे वकील को solicitor बोलते हैं. वहीं पे जो Americans हैं वो उसे lawyer बोलते हैं. और इंडिया में हम उसे लॉयर भी बोलते हैं और एडवोकेट भी बोलते हैं. हम सॉलिसिटर ज्यादा यूज नहीं करते, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं यूज होता, सॉलिसिटर जनरल होता है, बट ज्यादातर लोग उसे लॉयर या एडवोकेट्स बोलते हैं इंडिया में. कर्टन, ये तो आप समझ गए कर्टन क्या होते हैं, हर किसी के घर में यूजुअली दरवाजे पे खिड़की पे कर्टन्स होते हैं. अमेरिकन्स दे कॉल इट एज ड्रेपर्स, ड्रेपर्स, बल्कि और इंडिया में हम उसे कर्टन्स ही बोलते. नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, विंड स्क्रीन. अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है जो गाड़ी के आगे का शीशा होता है या पीछे का शीशा होता है जो आपकी हवा को रोकता है, उसे हम विंड स्क्रीन बोलते हैं. सेम चीज अमेरिकन्स उसे विंड शील्ड बोलते हैं, विंड शील्ड, यस, और हम यूजुअली यहां पर विंडस्क्रीन ही बोलते हैं. देन वी हैव इज नंबर प्लेट. अब गाड़ी के ऊपर जो नंबर लगा होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मेरा गाड़ी नंबर है DL8CD6519, सो दैट्स द नंबर प्लेट. नंबर प्लेट पे नंबर लिखा जाता है. सेम चीज अमेरिकन्स जो है उसे लाइसेंस प्लेट बोलते हैं,
बट इंडिया में यूजुअली हम उसे नंबर प्लेट ही बोलते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज बोनेट. बोनेट होता है जो या हुड ऑफ अ कार, राइट. हुड कई लोग उनके वो टी शर्ट्स में हुड्स होते हैं जिनसे वो ढक लेते हैं अपने सर को. यहाँ हम उस हुड की बात नहीं कर रहे जो गाड़ी लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सॉरी बट आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग. जैसे ये होता है हमारा गाड़ी, तो ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड बोनेट बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉल द सेम थिंग एज हुड. इंडिया में हम उसे बोनेट बोलते हैं. द नेक्स्ट इज जैम. जैम बच्चे जैम लगाकर खाते हैं. सो द सेम थिंग अमेरिकन कॉल इट एज जेली बट इंडिया में यूजुअली हम उसे जैम बोलते हैं. देन द नेक्स्ट वी हैव इज टिन. टिन एंड अमेरिकन्स कॉल इट एज कैन. इंडिया में उसे टिन और कैन दोनों बोलते हैं. पहले हम ज़्यादा टिन यूज करते थे बट अब हमारे कैन भी हम यूज करते हैं. लाइक आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीते हैं यू कैन गेट इट इन अ बॉटल, राइट, टेट्रॉप, और यू कैन गेट इट इन अ कैन, कैन्ड वन. सो अभी हमने देखा बहुत सारे वर्ड्स देखे, जो वोकैबुलरी डिफरेंस आपने देखा इसके लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हम इंडिया में भी यूज करते हैं जो ना तो ब्रिटिश के हैं ना अमेरिका के हैं. लाइक अलमीरा हमने देखा. और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये तो वो वर्ड्स से मिली जो मैंने आपको डिफरेंस बताया बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ड्स हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द वर्ड लाइक फॉरेस्ट और वुड्स, अमेरिकन्स ऑल्सो कॉल इट एज लाइक फॉरेस्ट और वुड्स. बेसिकली ज्यादातर वो वुड्स बोलते हैं बट इंडिया में या तो हम फॉरेस्ट बोलते हैं और इसके अलावा हम जंगल भी बोलते हैं. अब आप कहेंगे कि ये जो जंगल है ये यहाँ दोनों में नहीं है. एक्चुअली जंगल जो है ये एक हिंदी का वर्ड है, हिंदी का वर्ड जो कि हम इंग्लिश में जैसे अलमीरा, अलमारी से अलमीरा बना दिया हमने, उसी तरह हम जंगल को जंगल यूज कर रहे हैं. और लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. लाइक इफ आई से ओके प्रिजन और इफ आई से बिहाइंड द बार्स, सेम हियर वी से प्रिजन और बिहाइंड द बार्स. यानी कि प्रिजन मतलब कि जेल. तो अगर किसी को सजा होती है तो कहते हैं ना उसको जेल भेज दिया, ही वॉज सेंट टू प्रिजन. और इंडिया में एक और वर्ड हम यूज करते हैं विच इज जेल. जेल. सो ये एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्चुअली हिंदी का वर्ड है जिसे हम एग्जैक्टली इंग्लिश में यूज करते हैं. सो दिस इज इन इंडियन इंग्लिश जेल. अब आप जेल भी आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, मतलब जंगल भी आपको मिल जाएगा. सो यहां पर अभी तक जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो भी बताए हैं जो कि मेनली ब्रिटिश और अमेरिकन में भी अलग अलग होते हैं. बट इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि आजकल हमारी एक नई इंग्लिश डेवलप हो रही है जिसे हम इंडियन इंग्लिश कहते हैं, जिसमें ये सारे वर्ड्स होते हैं और ये सारे वर्ड्स लोगों को मिलते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन विच इज योर प्रोनंसिएशंस. सो अब हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन की कि किस तरह से उन वर्ड्स को, देखिए हमने देखा स्पेलिंग डिफरेंस, वोकैबुलरी डिफरेंस, ग्रामर डिफरेंस, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है mainly in British and American English and of course in Indian English also. जब हम pronunciation की बात करते हैं, pronunciation को हम mainly consonants और vowels में divide करते हैं क्योंकि दोनों को बोलने का तरीका अलग अलग होता है. Consonants usually लोग कहते हैं, vowels होते हैं जिन्हें हम A, E, I, O, U बोलते हैं, और कॉन्सनेंसेस के अलावा होते हैं. लेकिन अगर मैं हिंदी की बात कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके
स्वर होते हैं, और आपको पता होगा शायद 12 या 13 स्वर होते हैं, जिसे हम अ आ राइट ई ई उ उ ओ ओ अंक आ आ ई ई उ उ ए ए ए ए ओ ओ अंग आ एंड री ऋषि। अगर अब आप इनकी बात करते हैं तो ये जो दोनों होते हैं ये यूजुअली सेंटेंस के एंड में जाते हैं, शुरुआत इनसे नहीं होती है, बट फिर भी ये हमारे 13 स्वर हैं। और इसके अलावा जितने भी बच गए हमारे अल्फाबेट्स इंग्लिश में, या अगर हम हिंदी में कहें तो जिसे हम अपना व्यंजन कहते हैं, स्वर हमारे वॉवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हमारे व्यंजन हो गए। इंग्लिश में भी इनको दोनों को बोलने का तरीका टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, कॉन्सोनेंट डिफरेंस के साथ, कि किस तरह से उनमें डिफरेंस आता है या उनमें डिफरेंस देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर हम मेजरली बात करने वाले हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की, बट साथ साथ हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश की भी, बट मेनली यहाँ पर हमारा एम्फसाइज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। सबसे पहले आता है हमारा अल्फाबेट र, राइट, आर मतलब र, जिसे हम हिंदी में र बोलते हैं। इन अमेरिकन इंग्लिश R is pronounced at all the positions, that is initial, middle and final positions. American English में जो R sound है या R word है वो बोला जाता है, pronounce किया जाता है, चाहे वो किसी शब्द के शुरुआत में आए, उसके बीच में आए या आखिर में आए। लेकिन बहुत important चीज है, लेकिन British English में अगर र जो है वो एक वॉवल के बाद आ रहा है, राइट, और अगर वो एक एंड में आ रहा है, जैसे फाइनल पोजीशन में आ रहा है, इट इज नॉट आर्टिकुलेटेड, उसे हम आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब ये नहीं है कि लिखते नहीं है या नहीं, बट वो बोला नहीं जाता है, या अगर बोला भी जाता है तो वो इतना लो उसका वॉल्यूम होता है कि आपको वो समझ में नहीं आता या आपको वो सुना ही नहीं देता, राइट। सो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यू विल गेट इट मोर क्लियर। इनिशियल पोजीशन, देखिए शुरुआत में ब्रिटिश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है बीच में, अगर वो किसी वॉवल के बाद आएगा तो उसमें प्रॉब्लम है या एंड में प्रॉब्लम है। सो अगर हम इनिशियल पोजीशन में बोलते हैं रेन, रेन, और इनको बोलने के लिए यूजुअली इसे हम रोलिंग आर भी बोलते हैं, अमेरिकन इसे रोलिंग आर बोलते हैं, रोलिंग रोलिंग, आपकी जो जीभ है वो हल्की सी रोल हो जाती है। सो इट्स रेन, इट्स रबर एंड रशिया, सो रेन रबर रशिया। और वहीं पे जब हम इसे बीच में बात करते हैं, इट्स बर्थ, अमेरिकन्स इसे बोलेंगे बर्थ बर्थ, टर्न टर्न टर्न, टर्टल टर्टल टर्टल, वर्क वर्क, बर्गर बर्गर किंग, यू नो बर्गर, बार्गेन बार्गेन। और जब यही हमारा फाइनल पोजीशन में आता है, अमेरिकन्स इसको प्रॉपर बोलेंगे अदर, क्लेवर डायरेक्टर, रेसलर बर्गर मर्जर। लेकिन लेकिन आई विल गो बैक, हम एक बार दोबारा पीछे जाते हैं और देखते हैं हमारा फिर से। देखिए जब हम बात करते हैं ब्रिटिश की, अब यहां देखिए यहां पर ये आई क्या है, वॉवल है और इसके बाद र आ रहा है, हम कभी बर्थ नहीं बोलते, वी से बर्थ, राइट, बर्थ बर्थ, र की आवाज बहुत कम आती है। इट इज माय, वी डोंट से इट इज माय बर्थडे, वी से इट्स माय बर्थडे बर्थडे, राइट। ओ नाउ इट्स योर टर्न टर्न, प्लीज ध्यान से सुनिए, वी डोंट से टर्न टर्न, वी से टर्न। Here again, it's a bit not articulated. Turtle. We don't say turtle. It's turtle. T
टर्टल. मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया में सब लोग इसे ठीक बोलते हैं. यस, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अ सेकेंड लैंग्वेज, कई लोगों को प्रोनाउंसिएशन एरर्स होते हैं, जिसके लिए आप हमारे वर्जन एक्सेंट के वीडियोस देख सकते हैं, जिनसे आपको पता चले कि आपको उनको किस तरीके से बोलना है, किस तरह से बोलना है. बट एक्चुअली हम यहाँ पर बीइंग इन इंडिया, हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं. अगला वर्ड आप देखें तो दैट इज योर वर्क. वी डोंट से वर्क, वी से वर्क. देन वी डोंट से बर्गर, वी से बर्गर. ये दिस आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस आर नॉट दिस आर, इसकी बात मैं अगले पेज पे करूंगी. वी से ही इज वेरी गुड इन बार्गेनिंग. वी डोंट से बार्गेनिंग, से बार्गेनिंग, बार्गेनिंग. सो दिस र इज नॉट आर्टिकुलेटेड इन दिस सेंटेंस. नाउ वी विल लुक इन टू द फाइनल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश. वी डोंट से अदर. अब यहां पर हम थोड़ा सा ब्रिटिश से डिफर कर जाते हैं. हम एंड में र को बोल जाते हैं, वी से अदर, अदर, अदर कंट्री, अदर. बट एक्चुअली इट शुड बी अदर कंट्री, अदर, नॉट अदर. इसको हमें नहीं बोलना है, वी डोंट हैव टू स्पीक दिस. अदर, अदर, अदर पर्सन. ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर. क्लेवर नहीं बोलना है आपने, इस वर्ड को आपने नहीं बोलना है. वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर जब आप बोलेंगे. र को आर्टिकुलेट नहीं करना है. क्लेवर, क्लेवर. द डायरेक्टर, वी डोंट से डायरेक्टर. इट्स, कई लोग बोलते हैं डायरेक्टर, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डायरेक्टर, 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 नॉट डायरेक्टर. रेसलर, रेसलर, रेसलर. र आर्टिकुलेट नहीं होगा. बर्गर, वी डोंट से बर्गर, बर्गर. यहां हमने मिडल में देखा और यहां हम एंड में देख रहे हैं, विल नॉट बी आर्टिकुलेटेड. मर्जर, मर्जर नहीं होता, इट्स मर्जर, मर्जर, लाइक दिस. सो ये कुछ चीजें हैं जिस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस आ रहा है. पहला हमने देखा इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सोनेंट र. नाउ द डिफरेंस कम्स इन द साउंड T, right? T is articulated at the initial position, but Americans drop T in the final positions. अब वहां पर पहले हमने रो में देखा कि ब्रिटिश उसको ड्रॉप कर रहे थे फाइनल पोजिशन में, उसे नहीं आर्टिकुलेट कर रहे थे. लेकिन यहां पे पाला पलट गया है. अमेरिकन्स जो हैं, अगर T एंड में आता है तो वो उसे नहीं बोलते हैं, वो उसे आर्टिकुलेट नहीं करते हैं. देखते हैं, इनिशियल पोजीशन टेबल, टेबल, ट, 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 टाइगर, टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. टर्न, टर्न, कैन यू जस्ट टर्न द पेज, टर्न, टर्न नहीं, टर्न. नाउ लेट्स सी द वर्ड कट. अगर आप ब्रिटिश बोलेगा, प्लीज ब्रिटिश, वो बोलेगा कट, कैन यू जस्ट कट इट आउट. What is your name? What? आपको T clearly सुन रहा है. Pot, pot, hot pot. But now listen, the American will articulate, is not going to articulate the T in the end. He is going to drop it. He'll say kha, kha. He'll say what, what, what are you doing here? He'll not say what are you doing, what are you doing, what. Then he'll say pot. Hot pot, right? So it's pot, not pot, pot. Then in American English, T turns to soft D, 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 D. Soft मतलब बहुत हल्का सा बोला जाता है. T जो है हमारा T sound, वो D बन जाता है in case of American English when it comes between two vowels or between a vowel or र. अगर वो दो वॉवल्स के बीच में आ रहा है या एक वॉवल और किसी र के बीच में आ रहा है, टी, माइंडेड,
ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो ट नहीं बोला जाता अमेरिकन इंग्लिश में, बल्कि ड, सॉफ्ट ड बोला जाता है. जैसे ओ, द फर्स्ट वर्ड इज दे नॉट से सैटरडे, सैटर. अब देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर ट जो है ये ए और यू के बीच में आ रहा है, जो हमारे वॉवल्स हैं. सैटरडे, सैटरडे, दे नॉट से सैटरडे, 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 राइट. नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव ड. ये जो ट है हमारा ये ड बन जाता है, नेगेटिव, राइट. माय ब्लड ग्रुप इज ए बी पॉजिटिव, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप. सो लेट्स से इफ यू से माय ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव, राइट. वॉटर, वॉटर, दे नॉट, दे डोंट से वॉटर, दे से वॉटर, 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 वॉटर. बटर, दे डोंट से बटर, दे से बटर, बटर, ड, ड. ये आपका ड बन रहा है. कंप्यूटर, कंप्यूटर, विच कंप्यूटर डू यू हैव. कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर, ड. देन इट्स पार्टी, इट्स नॉट पार्टी. हम लोग पार्टी ही बोलते हैं, बट बिकॉज वी आर फॉलोइंग यूजुअली द ब्रिटिश सिस्टम, बट इन केस ऑफ अमेरिकन इट्स पार्टी, 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 राइट. देन व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, देखिए टी 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 एंड में आ रहा है, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, और यहाँ पे भी टी एंड में आ रहा है, राइट. अब यहाँ पर जो टी है, देखिए अब हमने पहले सिर्फ वॉट देखा था लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे टी जो है ये बीच में आ रहा है, क्योंकि ये एक वर्ड्स है, ये एक वर्ड्स है. सो इट्स व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, वुड लाइक टू गो फॉर अ मूवी, व्हाट अबाउट दिस मूवी, व्हाट अबाउट, व्हाट नहीं, व्हाट अबाउट द. अब अगर हम इंडिया में कहते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, हम बटर बोलते हैं, हम सैटरडे बोलते हैं, हम नेगेटिव बोलते हैं, और वाटर बोलते हैं, और अगर आप अलग अलग जगहों पे जाएं तो बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं. लाइक आई नो सम साउथ इंडियन, आई हैव सम साउथ इंडियन फ्रेंड्स, वो लोग तो नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. उनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वाटर, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दे डोंट से वाटर, दे से वाटर. सो इंडिया में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट डायलैक्ट्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो लोग बोलते हैं. सो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है इन केस ऑफ प्रोनाउंसिएशंस. सो द अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स, यू नो, इन केस ऑफ दैट ट इज ड्रॉप्ड व्हेन इट इज, इट फॉलोज न. अगर कहीं पे न होता है और उस न के बाद आप टी को लिख देते हैं, तो उस केस में भी हम उसको ड्रॉप कर देते हैं. लाइक इंटरनेट, अब यहां देखिए टी फॉलो हो रहा है, इंटरनेट, इंटरनेट. सेंटर, सेंटर नहीं है, सेंटर, 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 हल्की सी साउंड आ रही है आपकी. इन, इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू, 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 स्मॉल, वेरी सॉफ्ट साउंड कम्स आउट हियर. डिफरेंस ऑल्सो कम्स इन द प्रोनंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. जैसे ये वर्ड है हमारा, ब्रिटिश जो है वो इसे जेड बोलता है, अमेरिकन जो है वो इसे जी, एक्स वाई जी, वो इसे जी बोलते हैं. नाउ दिस वर्ड N-E-W, British will say new, new, I bought a new car. American will say new, new. Next we have is A-D-U-L-T. A British will say adult. American will say adult, adult. In India, like usually a person who is over 18 years, he is considered as an adult citizen, adult. Adult. American will say adult, adult. G-A-R-A-G-E. British will say garage, garage.
American will say garage. Same spelling, only difference in pronunciation. British will say garage. American will say garage. Right? Then is, can you give me your address? Address. So British will say address. American will say address. Address. Not address, but address. R-O-U-T-E. British will say route. Can you tell me which bus route will go to my house? American call it as route. Route. This route is not good. Then we have is advertisement. British call it as advertisement. Americans call it as advertisement. Advertisement. Ye sare words abhi hum dobara se dekhenge. Then we have is apricot. Right? Apricot. British call it as apricot. Americans call it as apricot. 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 Then is leisure. British call this word as leisures. Americans call it as leisure. Leisure. Then very common word, kai logo ko difference lagta hai. Either. British call it as either. Americans call it as either. Either or, neither nor. Aajkal kai log confused hota hai ki either or bole ya neither nor bole. So the kyun aisa problem aa raha hai? Kyunki British jo hai use either bolte hain, Americans usko either bolte hain. The next is neither spoken by British, neither spoken by Americans. अब इसको हम एक बार फिर से देखते हैं. पहले मैं आपको प्रोनाउंस करूंगी ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड सारे वन आफ्टर अनदर. बाद में हम अमेरिकन्स की लिस्ट को पढ़ेंगे हाउ दे प्रोनाउंस इट. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रिटिश वर्ड्स. फर्स्ट इज जेड न्यू अडल्ट गैरेज एड्रेस रूट Advertisement, apricot, leisure, either, neither, right? Z, new, adult, adult, garage, address, root, advertisement, apricot, leisure, either, neither. अब हम बात करेंगे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस की फॉर द सेम वर्ड ताकि आप उसे बाद में दोबारा सुन के प्रैक्टिस कर सके. इट्स जी न्यू नॉट न्यू बट न्यू एडल्ट गैरेज एड्रेस राउट एडवर्टिजमेंट एप्रिकॉट leisure, either and neither. So it's Z, new, adult, garage, address, route, advertisement, apricot, leisure, either, neither. So, आप भी मेरे बोलने के बाद आप पॉज करके उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश कर सकते हैं. नाउ वी विल आफ्टर द कॉन्सोनेंट्स मेनली डिफरेंस कॉन्सोनेंट्स में र और ट के साथ ही आता है. अब हम बात करते हैं कुछ वॉवल्स की कि कुछ वॉवल्स में डिफरेंस किस तरीके से आता है. सो द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इज अ आ. ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है. एक्चुअली फोनेटिक्स में उसे इस तरह से लिखा जाता है. सो डोंट बी कंफ्यूज, हम सिर्फ साउंड्स की बात कर रहे हैं. आपको बेहतर समझ में आए इसलिए मैंने साथ में हिंदी में लिखा है आ. इन अमेरिकन इंग्लिश देयर आर मेनी वॉवल्स दैट हैव लेटर ओ बट दे गिव यू आ साउंड एज फा द राइट. But in British English, it remains a sound only. एक बार आप इसे फिर से समझ लीजिए. जैसा हमने कहा
यूजुअली जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो कई जगहों पर आपको वोवल ओ ओ नजर आएगा, बट वो ओ नहीं बल्कि आ की साउंड देता है, जैसे फाद आ, आ की आवाज आ रही है फाद, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे आ का आ ही साउंड रखते हैं। देखिए ये है हमारा वर्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हॉट, ओ की आवाज दे रहे हैं, और लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं हॉट, आ की आवाज होती है ना कि ओ की, हॉट, राइट। मॉम इज इन ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन से माम, माम, आ, माम। टॉप इज व्हाट ब्रिटिश से टॉप, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन विल से टॉप, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप। He is very honest, honest. But American will say he is very honest, honest. Ah. British will say, ah, would you like to have a cup of coffee? Coffee. American will say, would you like to have a cup of coffee? Coffee, coffee. Not coffee, but coffee. Right? So, American English में कई बार हम जो O word है, वो आपको O का नहीं, बल्कि आ का साउंड देता है, जैसा आपने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स में देखा। अगला है हमारा ए साउंड, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये म, न और ग, ये है हमारा एन एन जी, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ये क्यों लिखे हैं जबकि मैं साउंड ए की बात कर रही हूं। देख लेते हैं, इन अमेरिकन इंग्लिश व्हेन दिस ए वोवल is followed by a nasal consonant, then it is no longer a pure vowel. मतलब ये कि अगर कोई कहीं पर हम कोई ऐसा word use कर रहे हैं जो a का sound दे रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आपके ये वाले words m, n और आ जाते हैं तो या ng आ जाते हैं तो ये अपना sound a का नहीं रहता बल्कि कुछ और बन जाता है। Example, m और n अगर आते हैं इसके बाद ए साउंड के बाद तो वो ओ का आवाज देते हैं, ओ, राइट, और अगर उंग आ जाता है तो वो ए का आवाज देते हैं। बट इन ब्रिटिश इंग्लिश द वर्ड ओ विच रिप्रेजेंट्स अ हैज डिफरेंट वोवल साउंड्स, वहीं पर जो ब्रिटिश इंग्लिश में हमारा ओ वाला वर्ड है जो आ का साउंड दे रहा था उसका अलग वोवल साउंड होता